अहम खबर दें आपको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंच गया है। वफद में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, असद कैसर, कासिम सूरी और दीगर शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद स्पीकर से मुलाकात के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुका है। वफद में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, असद कैसर, कासिम सूरी, आमिर डोगर और परवेज खटक शामिल है। PTI वफद इस्तीफों और कौमी असम्बली में वापसी पर बातचीत करेगा। अहम खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुका है। स्पीकर से मुलाकात करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद, और वफद में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, असद कैसर, कासिम सूरी और दीगर शामिल हैं, जबकि PTI वफद इस्तीफों और कौमी असेंबली में वापसी पर बातचीत करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंच गया है, और वफद में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, असद कैसर, कासिम सूरी, आमिर डोगर और परवेज खटक शामिल हैं। अहम मुलाकात तय है, और PTI वफद इस्तीफों और कौमी असेंबली में वापसी पर बातचीत करेगा। हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। इस अहम मुलाकात के हवाले से मजीद अपडेट उनसे हासिल कर लेते हैं। अहमद नवाज बताएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंच गया है, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, PTI अरकान असेंबली आमिर डोगर की क्यादत में पार्लियामेंट हाउस पहुँच गए हैं। आमिर डोगर वफद को सरप्राइज कर रहे हैं। अमन खान याजू हैं, शबीर कुरैशी हैं, अतुल्ला खान हैं और कासिम सूरी जो है डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, वो भी पार्लियामेंट हाउस में पहुंच चुके हैं। और असद कैसर है साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, उनका इंतजार कर रहे हैं। और मेन गेट पर अभी जो PTI अरकान असम्बली जो है वो मौजूद हैं। अभी स्पीकर से मुलाकात करने के लिए दीगर जो PTI के अरकान हैं उनका इंतजार कर रहे हैं, असद उमर का, असद कैसर का। और जो ही वो पहुँचते हैं यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में, तो फिर ये स्पीकर चैम्बर में जाएंगे, स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे। और स्पीकर कौमी असम्बली की जो अरकान का इंतजार कर रहे हैं, और अपने चैम्बर को, अपने स्टाफ को उन्होंने खसूसी हिदायत की है कि वे PTI अरकान असम्बली को लेकर आए। असद कैसर साहब और कासिम हैं जिसके साबित स्पीकर कौमी असम्बली, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आमिर डोगर हैं, खान याजी हैं, शबीर कुरैशी हैं और दीगर जो अरकान है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और PTI का आज जो वफद है स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेगा। और आमिर डोगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली के पास अफसोस कबूल करने का सिवा कोई चारा नहीं है। उनका ये कहना है कि जो 11 अरकान असम्बली के PTI के जो अफसोस स्पीकर ने मंजूर किए थे, क्या उनको स्पीकर कौमी असम्बली ने बुलाया था या उनको रूल्स फॉलो किया था, तो अब क्यों उस चीज को तारीख या इल्तवाब में डालना चाहते हैं। जिस तरह पहले 11 अरकान असम्बली के अफसोस मंजूर किए हैं, तो उसी तरह PTI वफद इस्तीफों और कौमी असम्बली में वापसी पर बातचीत करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली से अहम मुलाकात में बहुत शुक्रिया अहमद नवाज, मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे।